हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है आरके जेड टेड ग्रुप और आरके आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेकर चलता रहता है। थंबनेल पर आपने टॉपिक देख लिया, टॉपिक बहुत ही सिंपल है कि भाई सिर्फ ऑडिशन पास करने से काम नहीं मिलता है। मैंने अक्सर बात करी है ऑडिशन को लेकर, ऑडिशन अपडेट को लेकर, ऑडिशन प्रोसेस को लेकर। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ ऑडिशन पास करने से काम नहीं चलता है। और कई बार आपको जो है, ये तीन बिंदु हैं, जैसे एक ऑडिशन देना, एक स्क्रीन टेस्ट और एक लुक टेस्ट, ये तीन चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको काम मिलता है। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है फेक ऑडिशन। यानी कि आपको दोस्तों क्या होता है कि जब आपको कई ऐसे कास्टिंग के फेक ऑडिशन कॉल आते हैं कि भाई आप हमें सर अपना ऑडिशन भेज दीजिए और हम आपको बता देंगे, आप हमारे जो भी नया टीवी सीरियल आने वाला होगा या शॉर्ट फिल्म आने वाली होगी या फिल्म कोई मूवी आने वाली होगी तो उसके बारे में जो है हम आपको बता देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे ही हम आपको इतला कर देंगे आप सिलेक्ट होंगे और आप मुंबई आ सकते हैं। या फिर जो लोग रहते हैं उनको इस तरह कॉल्स की जाती हैं। दोस्तों सही बताऊं तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और दिल्ली में क्या हुआ था कि मेरे को मुंबई से एक कॉल आया था। उन्होंने कहा कि भाई अनुज, आपका जो है हमने ऑडिशन देखा है और आपका ऑडिशन जो है वो पास हो गया है, तो आप हमसे मिल लीजिए आकर। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि भाई आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा हमसे मिलने की और कोशिश कीजिए 24 घंटे के अंदर आ जाइए, और पैसे की भी थोड़ी डिमांड करी थी उन्होंने, बताया था उन्होंने, और भाई एक रोल है आपके, आप ही के लिए है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि, और मैंने एक अपने दोस्त एक दो दोस्तों से पूछा, तो दोस्तों ऑडिशन के लिए कहीं भी पैसे नहीं लगते हैं, फिल्मों में सिलेक्शन के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे इस तरह की चीज कही। तो मैंने सही बताऊं तो मैंने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया और उनका वापस कॉल भी नहीं आया। अगर उन्हें जरूरत होती उस जिस भी काम के लिए, फिल्म थी वैसे तो उन्हें अगर जरूरत होती उसके लिए, उस काम के लिए, तो मुझे दोबारा कॉल करते। लेकिन इसका मतलब कॉल करने की जरूरत शायद नहीं उन्होंने महसूस की। लेकिन दोस्तों सही बताऊं तो ऐसे कई लोग होते हैं जो आपको सिर्फ सीधा कॉल करेंगे और कहेंगे हमने आपका ऑडिशन देखा, हमको बहुत पसंद आया, आप जो है इतने रुपए लगेंगे और आप जो है आपको रोल मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। आपका भाई स्क्रीन टेस्ट भी होता है, लुक टेस्ट भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है, तो ये प्रोसेस होगा तो तभी तो आपको काम मिलेगा भाई। ऐसा तो ये है कि भाई आपने वो आपसे हो सकता है कि पैसे की डिमांड भी कर दें, हो सकता है आपको कई लोग ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि आप ये नहीं नेगलेक्ट कर सकते कि ऐसी चीजें होती नहीं है, कई लोगों के साथ होती है। तो ऐसे में आपको इन चीजों से बचना चाहिए और जो मैंने चीज आपको बताई है यही चीजें तीनों फॉलो होती हैं और यही तीनों चीजें फॉलो करने के बाद आपको फाइनल तौर पर काम मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको फेक ऑडिशन से, फेक कॉल से अलर्ट रहना चाहिए और बिंदास होके अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आपको काम जरूर मिलेगा। बेशक थोड़ी देर लगेगी लेकिन आपको काम जरूर मिलेगा। कई लोग दसियों बार, बीसों बार, इक्कीसों बार रिजेक्ट होते हैं ऑडिशन के अंदर, लेकिन काम मिलता है। कब मिलता है? वो एक टाइम के बाद मिलता है, उनका अनुभव बोल देता है, तब उनको काम मिलता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का बटन उसे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे।